नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं संजय महान आपके इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भाई, कुछ नया डाटा जो है आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया कि भाई 23 फरवरी तक जो है हमने 17.82 लाख करोड़ की जो करेंसी है वो सर्कुलेशन में कर दी है। अगर बात करें तो भाई, जब नोटबंदी हुई थी उस समय जो है 17.97 लाख करोड़ जो है करेंसी वो सर्कुलेशन में थी। और नोटबंदी के बाद आप देख सकते हैं जो ग्राफ जो बना हुआ है वो किस तरीके से गिरा और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अब बात की गई, जब नोटबंदी चल रही थी, पैसों की कमी थी, उस समय बात की गई कि भाई हम तो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं और जो है लेन देन होगा ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल। शुरुआत में लोगों के पास पैसे नहीं थे तो वाकई में कुछ डिजिटल में जो है ट्रांजेक्शन हुए। पेटीएम जैसी जो है मोबाइल वॉलेट कंपनियाँ चरम पे अपने पहुंच गई, उन्होंने अपना बैंक भी शुरू किया। बहुत सारे जो है वॉलेट आए उस समय, चाहे फिर वे भीम को लाना पड़ा हो सरकार को, चाहे वो हो गूगल का तेज, इस तरीके से बहुत सारे वॉलेट हमारे सामने निकल के सामने आए। और बात की गई कि भाई जो है अब भारत हो जाएगा डिजिटल और डिजिटल करेंसी में हम लेन देन करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है पूरी की पूरी अधिकांश जो है करेंसी सर्कुलेशन में आ गई है। अब लोग जो है पैसों से ही लेन देन करने लगे हैं और डिजिटल करेंसी को कम से कम यूज करें, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो भाई हर चीज़ में बहुत सारा जो है पैसा बैंक काटते हैं। अगर हमें भीम ऐप की बात करें, अगर आप SBI का कार्ड यूज करते हैं तो आप जानते होंगे कितना क्या कुछ कटता है। अगर आप 3 ट्रांजेक्शन के बाद 4th ट्रांजेक्शन करते हैं भीम ऐप के थ्रू तो आपको 18.70 रुपये चुकाने होते हैं, चाहे आप 1 रुपये का ही ट्रांजेक्शन क्यों ना करें। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों को। अगर आप वाकई में डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, डिजिटल लेन देन करना चाहते हो, तो इन सबको आपको फ्री करना होगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भाई अपने पुराने ढर्रे पे भारत रहेगा और हम लेन देन करेंगे वही पुराने नोट पल्लव है, जो आपके द्वारा जारी किए गए लीगल टेंडर वाले नोट हैं उन्हीं से हम लेन देन करना शुरू करेंगे। तो भाई ये जो डाटा है ये बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला है कि वादे किए गए थे बहुत सारे कि बहुत कुछ बदलाव होगा और बहुत सारे नोट जो नष्ट किए जाएंगे, बहुत कुछ चल रहा था लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। जो सर्कुलेशन में नोट थे वो वापस सर्कुलेशन में आ गए हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरूर से पसंद आई है, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में।